असलामु अलैकुम व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि पीआईए की जो परवाज़ है जिसको रियाद से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरना था, पिछले 24 घंटों में वो उड़ान ना भर सकी। पीआईए इंतज़ामिया इस हवाले से कोई जस्टिफिकेशन या वजाहत पेश ना कर सकी। 260 से ज़ायद ओवरसीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर मुश्किल का जो है वो शिकार हैं। इस रियाद के एयरपोर्ट पर जो है वो परेशानी के शिकार हैं, और ऐसे में जो है वो सऊदी हुकूमत ने उनको खाने पीने के का जो है वो इंतज़ाम किया, उनको खाना पीना फ्राहम किया। ये पिछले 24 घंटों से जो है वो ये परवाज़ ताखीर का शिकार है, और पीआईए इंतज़ामिया इस हवाले से जो है वो मुसाफिरों को, जो 260 से ज़ायद मुसाफिर हैं, उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी कि आखिर परवाज़ ताखीर का शिकार क्यों है। इस परवाज़ ने, पीआईए के इस परवाज़ ने जो है वो रियाद से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरनी थी, जो कि नामालूम वजूहात की बिना पर अब उड़ान नहीं भर सकी, और बहुत से मुसाफिर वहाँ परेशान थे। और सऊदी हुकूमत ने जो है वो, सऊदी इंतज़ामिया ने जो है वो पाकिस्तानी मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया फ्राहम की, और वहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद परेशान हाल मुसाफिरों की मदद की। इस हवाले से पीआईए इंतज़ामिया ने अभी तक तो कोई नोटिस या वजाहत जारी नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ है। ताहम पीआईए की परवाज़ का आए रोज़ ताखीर का शिकार होना कोई फनी ख़राबी है या कोई और वजह इसकी ताखीर का सबब बनी, इस बारे में भी फ़िलहाल कोई मालूमात नहीं आई।